वक्त के हाथों बिखरा हुआ एक एक लम्हा, हर लम्हे पर लिखा एक चमकता नाम, उस नाम के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें जुबीते हुए कल की निशानी है। इन्हीं यादों के महल में झांकने खुलता है एक एक झुरका सिर्फ और सिर्फ 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो पर कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड, जिसे लेकर आई हूँ आज रात आपके साथ मैं शुभांगी। अमरदीप का गाना आप सुन रहे थे। 1958 के फिल्म गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र लता जी की आवाज, और इसमें अगर आपने सुना है ध्यान से रिदम कैसे जा रहा था, ढोल की जो बजाई इसमें वो लाला गंगावनी की वजह, क्या ढोलकी का इस्तेमाल किया है इसमें सी रामचंद्र जी ने, और इसके बाद भी यही कॉम्बिनेशन है। बस फिल्म का नाम है देवता। और बता दूं आपको कि आज इस पहले भाग में आपके लिए लेकर आई हूं राग भीम पलास पर आधारित गाने, और जैसे मैं हमेशा कहती हूं वैसे आज भी कहूंगी कि हर गाना प्योर रूप लेकर आता है राग का, ऐसा नहीं होता है। फिल्मी गाने जो होते हैं रागों पर आधारित वो ज़्यादातर मिश्र रूप लेकर आते हैं उस राग का जिस राग पर वो आधारित हैं।
तो इसके बाद का गाना फिल्म देवता से, इसमें भी ढोल की बहुत खूबसूरत है, गौर से सुनिएगा। जाने आए ना आए बहार,
कद के बलम न कर कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। फिल्म अमर का ये गाना आप सुन रहे थे। गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद जी ने क्या ऑर्केस्ट्रेशन किया इस गाने का, अरे बाप रे, क्या इंटरल्यूड्स और कैसा बनाया है गाना, खूबसूरत। सुन रहे हैं आप रेनबो रिवाइंड।
मेरा साया का ये गीत आप सुन रहे थे मदन मोहन का बनाया हुआ बेहद खूबसूरत गाना। क्या बात है, देखिए राग एक ही है लेकिन उस पर अलग अलग संगीतकारों ने जो गाने बनाए हैं उससे उस राग की जो खूबसूरती है उसका पता चलता है कि अच्छा ये ऐसा भी है, अच्छा ये वैसा भी है। एक राग ही अलग अलग रूप में जब आता है तो मज़ा कुछ और ही होता है। हिंदी सिनेमा में बने अनगिनत गाने और राग भी इतने सारे, और अब ऐसा नहीं है कि हर राग में गाने बने हैं। जिन रागों में बने उनमें भी सबसे ज्यादा किस राग में बने हैं और कम से कम किस राग में बने हैं ऐसा भी है। पर जब भी बने बड़े दोस्ताना अंदाज में, है ना, जैसे हमको ऐसे लगता है कि जैसे हमारी दोस्ती है, वरना हम कैसे गुनगुनाते रागों पर आधारित गाने, है ना। इसके बाद का जो गाना मैंने चुना है वो है रफी साहब का फिल्म चंद्रकांता से। मैंने चांदार सितारों तमन्ना की थी, मैंने चांदार सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांदार सितारों की तमन्ना की थी, जिसे प्यार की महफिल न मिली। मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली। जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांदार सितारों की तमन्ना की थी। किसी गैसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं, किसी गैसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांदार सितारों की तमन्ना की थी।
तेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी, मेरी राहों से जुदा हो गई राहें उनकी। आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी, आज बदली नजर आती है निगाहें उनकी, जिनसे इस दिल ने सहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। प्यार मांगा तो सिसक थे हुए अरमान मिले, प्यार मांगा तो सिसक थे हुए अरमान मिले, चैन चाहा तो उमंडते हुए तूफान मिले, चैन चाहा तो उमंडते हुए तूफान मिले, डूबते दिल ने किनारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की। सही लुधियानवी का लिखा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत गाना, क्या अल्फाज थे, आपने अगर ध्यान से सुना है पूरा गाना तो कमाल का लिखा है साहिर जी ने और संगीतकार एन दत्ता। सुन रहे आप रेनबो रिवाइन। Thank you.
शंकर जय किशन का बनाया गाना सुन रहे थे आप आम्रपाली से। आप सुन रहे रेनबो रिवाइंड और आज इस पहले भाग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राग भीम पलास पर आधारित कुछ गाने और इसके बाद का गाना सुना उससे पहले थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ राग ऐसे होते हैं ना कि जिनके साथ सबकी दोस्ती हो जाती है, मतलब पहली बार सुनते ही ऐसा लगता है ना कि जैसे हमारे किसी पुराने दोस्त से ही मुलाकात हो रही हो। इसमें राग यमन आता है, बागेश्री भी है, पहाड़ी है और भीम पलास भी इसमें शामिल है। जाना पहचाना सा लगता है सुनने के बाद, भले हम जानते नहीं हो कि इसमें क्या कौन सा सुर है, किस समय गाया जाता है, उसके कुछ भी हमें मालूम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ शायद पहले कभी मुलाकात हो गई हो इससे, कुछ ऐसी बात है। अब इसके नाम से ऐसा लगता है ना कि कोई बॉडी बिल्डर या कोई, हाँ मतलब ऐसी पर्सनैलिटी याद आती है ना कि भीम पलास नाम कैसा है। अब नाम में तो कोई नज़ाकत है नहीं, पर इसमें बने गाने देखो एक से बढ़कर एक हैं। सुनते हुए क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे इसमें राग भीम पलास है हमें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं, या क्या क्या सुन रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्या गाने बनाए तो हमारे संगीतकारों ने। राग पर आधारित गाना अगर बनाना है तो आम लोगों के लिए कैसे बनाना है ये जहन में रखकर बनाए गाने, और इसीलिए हमारी इन गानों के साथ दोस्ती है। वो किस राग में है नहीं है हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ हम एंजॉय करते बहुत ज़्यादा गुनगुनाते हैं इन गानों को। तो इसके बाद का गाना जो मैंने चुना है वो है फिल्म मुझे जीने दो, संगीतकार जयदेव। इसमें हारमोनियम बड़ा कमाल का बजाया, ध्यान से सुनिएगा। जहाँ से खोए गए हम दोनों, जहाँ से
गगन तरू प्यार हम करूं। दो जान है हम ऐसे मिले एक ही हो जाए, ढूंढा करी दुनिया हमें हम प्यार में खो जाए। बेचैन बहारों को गुलजार हम करे, नीले गगन तले प्यार हम करे। बादशाह का ये गाना आप सुन रहे थे, हेमंत और लता जी की आवाज, शंकर जयकिशन का बनाया हुआ गाना सुन रहे आप रेनबो रिवाइंड। 11:44 होना चाहते हैं, यानी इस पहले भाग के कुछ ही मिनट हमारे हाथों में है, और अब इसके बाद का गाना सुनाऊं उससे पहले थोड़ा सा कहना चाहती हूँ। जैसे आप भी जानते हैं कि राग गायन का एक निश्चित समय होता है, किसी भी समय में कोई भी राग गाए ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिल्म के लिए गाना बनाते हुए ऐसे नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गाने सुनकर हमें जो महसूस होता है वो उस राग के सुरों का बनाया हुआ जो माहौल होता है, हाँ ये सब उसका जादू होता है। और उसे किसी भी समय महसूस कर सकते हैं, क्यों है ना, हमारा जब मन चाहा कि मुझे ये गाना सुनना है, हम थोड़ी ना ये सोचते हैं कि अच्छा ये इस राग में है तो इस राग का समय वो, तो चलो अब नहीं सुनते, तो जब उस राग का समय उसी समय ये गाना सुनेंगे, ऐसा सोच के तो हम गाने नहीं सुनते हैं ना। वो फिल्मी गाना है, और बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत कलाकार भी तो कह चुके हैं कि जो करामा 3 मिनट के गीत में किया गया है वो क्या कहने, मतलब 3 घंटों की महफिलें जहाँ चलती हैं वो 3 मिनट में दिखाना कितना मुश्किल है, और जो हमारे संगीतकारों ने कर दिखाया है। इसके बाद का गाना जो मैंने चुना है वो है फिल्म स्त्री से, संगीतकार सी रामचंद्र। कहलाता फिर क्यों मेरे
बनके चले तेरा हृदय न जाने, गुंजन में क्या मन में क्या था, प्रीत या छल था क्या पहचाने, चित के चोर कठोर हृदय के मिले की गलियां
दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के छुप गया कोई रे दूर से पुकार के दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के छुप रोए मेरे खोए खोए नैन रे अखियों से नींद गई मनवा से चैन रे छुप छुप रोए मेरे खोए खोए नैन रे हाँ यही तो मेरे दिन थे सिंगार दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के छुप गया कोई रे दूर से पुकार के दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। ये गाना आप सुन रहे थे फिल्म चंपा कली से, संगीतकार हेमंत कुमार और लिखा था इसे राजेंद्र कृष्ण ने। और इससे पहले जो गाना आपने सुना वो था फिल्म नौबहार से रोशन जी का बनाया हुआ। मैंने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगीतकार शामिल करूं। सुन रहे हैं आप रेनबो रिवाइंड में आज इस पहले भाग में राग भीम पलास पर आधारित कुछ गाने। और अब ये है आखिरी गाना इस पहले भाग का। शशि कपूर ने कहा था कि राग भीम पलास में बना गाना हिट होता ही है। अब वो ये कह पाए क्योंकि उनको संगीत की जानकारी थी, वो तीनों भाइयों को संगीत की जानकारी थी और राज कपूर शमी कपूर ने तो संगीत सीखा भी था, कुछ राग भी उनको बड़े फेवरेट उनके थे, तो इसीलिए वो कह पाए। एक मज़े की बात मुझे हमेशा ये लगती है कि राग का मूड कोई भी हो फिल्म के लिए उसके ऑपोजिट मूड के भी गाने बनते हैं। गंभीर या सैड प्रकृति के राग में बेहद रोमांटिक या कभी हल्ला गुल्ला मचाता गाना भी बना है, ऐसा भी हुआ है। फिल्म की सिचुएशन क्या है, नायक नायिका का किरदार और ऐसी मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो मायने रखती हैं फिल्मी गाना बनाते हुए। राग पर आधारित फिल्मी गीत बनाना वैसे है तो मुश्किल बात, लेकिन हमारे संगीतकारों ने वो आसान बनाई, ऐसा हमें लगता है। क्यों बनाइए ना। इसके बाद का गाना कौन सा है आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि राग भीम पलास पर आधारित जितने भी गाने हैं ना उनमें ये सरताज गाना है। फिल्म है 1953 की, लिखा इसे राजेंद्र कृष्ण ने, आवाज है लता जी की और संगीतकार है सी रामचंद्र। इसमें बजाया सितार का पीस सुनिएगा। Come on!
दिल कहाँ ये रात दिन आ रही है सदा आ रही है सदा मस्तियों में डूब जा ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही निखो गया ये आप सुन रहे रेनबो रिवाइंड 107.1 मेगाहर्ट्ज़। शुभांगी है आज आपके लिए आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो की ये महफिल चलती है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, जिसका पहला एक घंटा बीत चुका है और अब इस दूसरे पड़ाव में क्या लाई हूँ आपके लिए। इंतजार ये एक ऐसा अनुभव है कि जो हर किसी को करना ही पड़ता है। हम में से हर कोई ऐसा है कि जिसने कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का बात का इंतज़ार किया ही, और हर रोज़ हम करते रहते हैं, किसी न किसी बात का हम इंतज़ार रहता है। और इस पर गाने भी बहुत सारे बने। अब हर गाने में ज़रूरी नहीं है कि इंतज़ार ये शब्द आना ज़रूरी है, लेकिन उस पूरे गाने में एक इंतज़ार ज़रूर है, भले वो शब्द उसमें आए ना आए। तो ऐसे कुछ गाने आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये फिल्मी इंतज़ार जो होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है, और जब वो सुरीला बन जाता है आह तो क्या बात है। तो चलिए, ये गाना फिल्म बरसात 1949, शंकर जयकिशन। जिया बेकरार है, छाई बहार, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गाना सुन रहे थे। इंतज़ार के कुछ गाने मैंने चुने हैं, और जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर गाने में वो इंतज़ार शब्द हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ उस पूरे गाने में इंतज़ार ज़रूर है।
कभी ऐसा भी है कि नायक को या नायिका को ये मालूम भी नहीं है कि इंतजार किसका है, वो किसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इंतजार जरूर कर रहे हैं। मधुमति, मधुमति में दरअसल दो गाने हैं। अब मैं ये एक तो गाना जरूर सुनवाऊंगी जो मतलब मधुमति का नाम लेते ही यही गाना सबसे पहले याद आता है, तो ये गाना तो होना ही चाहिए। इसमें ये जो कथा है इसकी पुनर्जन्म की, तो ये जब गा रही है तब उसे ये पता नहीं है कि वो किसका इंतजार कर रही है, लेकिन हाँ उसे ज़रूर किसी का इंतज़ार है जिससे बहुत पुरानी, शायद पुरानी किसी जन्मों से पहचान हो, किसी ऐसे का वो इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो ये जानती नहीं है कि किसका इंतज़ार है उसे, और इसीलिए इस इंतज़ार का रूप रंग थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि किसी अजनबी का इंतज़ार है जो अजनबी होते हुए भी जाना पहचाना सा भी है। शैलेंद्र जी ने लिखा है, सलील चौधरी है संगीतकार, लता जी की आवाज़।
लिखा हुआ ये इंतजार था, इसमें बेकरारी थी। फिल्म चित्रलेखा से ये गाना सुन रहे थे संगीतकार रोशन। आप सुन रहे रेनबो रिवाइंड 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यूं तो इंतजार कई बातों का हम करते हैं, बचपन से लेकर यह शुरू होता है और कभी ख़त्म नहीं होता। जो ख़त्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला दही कुछ ऐसी बात है इंतज़ार की। लेकिन फिल्म में इंतज़ार बस दो तीन चीज़ों का होता है, किसी के इजहार का, किसी के इकरार का, कभी जान निकलने का। ये या तो रोमांटिक होता है या तो सैड होता है, लेकिन हाँ उसमें भी जो शेड्स होते हैं, जैसे इसमें बेकरारी थी, ये रोमांटिक था इंतज़ार अभी अभी जो गाना आपने सुना। इसके बाद का जो गाना मैंने चुना है उसमें किस्से की तलाश है। उस इंतज़ार का रंग जो है मजरू जी की कलम से उतरा है, संगीतकार हैं ओपी नैयर, रफ़ी साहब की आवाज़ है मेरे सनम से। बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की। बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं। ये दिल लगी ये शौखियां सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर दो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूं मैं।
सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे। पुकारता चला हमें गली गली बहार की, बस एक छाओ जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। ये इस गाने में इंतजार का रंग था। सुन रहे हैं फ्रेंड रिवाइंड। अब इसके बाद मुकेश जी का गाया ये गाना मैंने चुना है यहूदी से। हाँ, अब इसका जब तक आखिरी अंतरा नहीं आता है हमारा ध्यान नहीं जाता है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार। यहाँ तक इस गाने का जो सफ़र है इस अंतरे तक, उसमें पूरा इंतज़ार भरा हुआ है। और ये भी है जो इस आखिरी पंक्ति में है कि चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतज़ार, उसको इंतज़ार करते ही रहना है, वो रुकेगा नहीं, उसका मन उसी के इंतज़ार में खोया रहेगा। ये एक तरह से वो जो दृढ़ता से कह रहा है कि हाँ मेरा तो इंतज़ार जारी रहेगा, ये पूरे गाने में हम महसूस कर सकते हैं। आइए सुनते हैं यहूदी, शंकर जी किशन का गाना। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने
से वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन। मदन मोहन का गाना आप सुन रहे थे और इसमें जो इंतज़ार है कैफी साहब का लिखा हुआ तो इतना ज़्यादा है और वो ऐसी चरम सीमा पर है कि ज़रा सी आहट भी होती है तो लगता है कहीं ये वो तो नहीं। अब इतना ज़्यादा हो गया है, क्या रूप है इस इंतज़ार का, हकीकत का ये गाना सुन रहे थे आप।
और इसके बाद का ये गाना मैंने चुना है फिल्म नागिन से। हेमंत कुमार संगीत का, लता जी की आवाज़ और राजेंद्र कृष्ण ने से लिखा है।
फिर निकला। फिर